करनाल में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि 40 से 50,000 रुपए तक की सामान की चोरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ इस वक्त हम खड़े हैं बसंत विहार गली नंबर 16 में, जहाँ पर मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स की ये छोटी सी दुकान आप देख सकते हैं, जहाँ पर 40 से 50,000 तक का सामान जो है वो चोरी हो जाता है। किस तरीके से जो है चोरी की गई है, क्योंकि चोरों की अगर बात की जाए तो इतना ज़्यादा शातिर दिमाग जो है लगाया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक बहुत ही भयंकर तरीके से जो है चोरियां सामने आ रही हैं। लगभग करनाल की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगह से जो है चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, जहां की दीवारें काफी छोटी थी और दुकानदार जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस दुकान को संभाल रही थी। और किस तरीके से जो है चोरी की जा रही थी, किस तरीके से जो है एकदम से चोर आते हैं, छोटी सी दुकान है और किस तरीके से जो है चोरी की जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर दरवाजा देख पा रहे हैं जिसे कि बहुत ही शातिर दिमाग से जो है तोड़ा गया था। और यहाँ पर जो है दुकान के मालिक जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी फिलहाल बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि करनाल में चोरियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन जो है कोई ना कोई चोरी हो जाती है और आज भी जो है 40 से 50,000 तक का जो है नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ से जो है तोड़ दिया जाता है दरवाजा, और उसके बाद जो है यहाँ से ये दरवाजे का हम आपको रास्ता दिखाना चाहेंगे कि तोड़ दिया जाता है। और ये लॉक था दरवाजा, लेकिन फिर भी तोड़कर जो है चोरी की जाती है। मेरे यानी सोनम के साथ जो है आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम कैसे चोरी हुई है और कितना नुकसान हुआ? मैडम देखो कैसे हुई होगी ये तो अब मैं कह नहीं सकती। ये दरवाजा वैसे आगे शटर हमारा बंद रहता है परमानेंट, और यहाँ पे LED लगी हुई थी जो रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी। कस्टमर का ही सारा सामान है, नया सामान हमारे पास कुछ नहीं, रिपेयरिंग का है बस। अब ये साथ में हमारे पड़ोसी हैं, कल उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि जो हालांकि दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, उन्होंने खुला हुआ देख के हमें फ़ोन किया है भाई आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, आके एक बार देखो। थे आप कल, क्या हुआ था? नहीं मैं तो घर पे थी, ये रेंट पे ले रखी हमने शॉप, हमारा इसी गली नंबर 16 में अपना मकान है, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेंट पे काम करते हैं। तो फिर इनके पड़ोसियों के बताने से हमें पता लगा कि यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से दीवार थोड़ी सी तोड़ के और भाई सामान सामान लेके वो तो आने के बाद मेरे हस्बैंड ने देखा काफ़ी कुछ वो ये बड़ी बड़ी चीज़ तो हुआ था। 7:30 बजे के आसपास पता लगा था मैडम हमें कल। दुकान बंद थी जी मैडम? तो दुकान कितने बजे बंद हो जाती है आपकी? वैसे तो मैडम 9 बजे तक खोल के रखते हैं, 10-15 दिन से दुकान बंद ही चल रही थी। मेरे हस्बैंड कहीं जॉब भी करते हैं ना पार्ट टाइम, अच्छा। उसके बाद बीच बीच में खोल खोल के काम करते होते थे जैसे ना, अब वैसे 15 दिन से बंद थी। वैसे कोई तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पड़ोसियों के द्वारा जो है जानकारी दी जाती है। फिलहाल सर जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो है, आप ये भी देख सकते हैं ये तोड़ दिया जाता है और इसके तोड़ने के बाद जो है यहाँ से तरीके से जो है यहाँ पर मौजूद है। सर आप कभी कभी दुकान खोलते हैं? मैडम मैं खोलता तो परमानेंट ही हूँ, लेकिन 15-20 दिन में थोड़ा सा मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक कंपनी में उन्होंने बुलाया कि भाई आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो भी कर लो। तो सुबह 6 बजे लेकर 2:30-3 बजे तक मेरा काम होता है वहाँ पे, तो मैं वहाँ फिटिंग का काम भी करता हूँ मैं। तो फिर कल रात को फोन आता साथ वाले पड़ोसी का, इनका ऊपर से घर है इनका, उन्होंने बताया कि पीछे से यहाँ से ना मतलब की कुंडी टूटी हुई है। तो जैसे ही उन्होंने बताया मैं दुकान पर आया हूँ, तो डायरेक्ट 112 की टीम बुलाई है, तो मौके पर आई हुई है। तो उन्होंने बोले सुबह जाके ना दरख्वास्त दे दो। किसी पे शक है कोई आपको लगता हो? मैडम शक तो देखो है, तो शक तो है वो काफ़ी है, लेकिन अब ऐसे किसका नाम ले, क्योंकि फिर वही है ना आपको पता है दुश्मनी भी हो जाती है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं? नहीं बिल्कुल भी, अब लड़ाई झगड़ा तो हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ देखो LED 3 LED है, बूफर है, और जो पंखे की मोटर की तारे के ऊपर वगैरह वो चोरी हो गया, 40 से 50,000 रुपये का नुकसान है। और मैं तो वैसे ही देखो पार्ट टाइम काम करता हूँ, उसके बाद मैं चलो कुछ होगा लेकिन और नुकसान होगा, दुकान भी मेरी रेंट पर ही है। तो अब आपको अपनी तरफ से भरना पड़ेगा, तो काफी हाँ। पुलिस से क्या आप अपील करना? मैंने तो अभी जल्द से जल्द चोर पकड़ो और इनको मतलब करो, ज़्यादा वारदातें हो रही हैं मतलब गली चोरी की तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो कहता हूँ किसी के साथ भी ना हो और समस्या तो ये सामान पुराना था रिपेयर के? हाँ जी हाँ जी मैडम, मेरा सारा सामान रिपेयर का ही है, नई चीज़ कोई नहीं है मेरे पास, रिपेयर का ही है सब कुछ। तो पुराना सामान ही 40 से 50,000 तक का? पुराना सामान मैडम देखो अब मेरे लिए तो चलो रिपेयर का काम है, लेकिन अब जब कस्टमर नहीं लेने जाए मेरे को तो देना पड़ेगा ना उनके लिए, तो वही है 2000 वाली 10,000 की चीज़ है। और LED तो आपको पता ही है 10 से प्लस ही होती है, 42 इंची है, 32 इंची 2 है, बड़ी है।
और बूफर, साउंड बूफर वाले भी हैं इसमें। यहाँ पे गली में और भी चोरी हो रही है? गली में अभी कुछ 4-5 दिन पहले 12-13 नंबर गली में ही दिशा जल सेवा केंद्र है, उनका भी इलेक्ट्रिशियन का काम है और उनका भी चोरी हो गया है। तो लगता है कि कॉमन चोर है जो ढूंढ ढूंढ के दुकान। हाँ मैडम, ज़्यादा लंबा मेरे को लगता नहीं है कि वही सोचते हैं कि भाई खाने पीने का सिस्टम बन जाए अपना, और वही काम है खाने पीने का भी है। और बसंत विहार गली नंबर 16 के लास्ट में ना 8 बजे लेके ना रात को, हम तो इतनी बार भाई कह भी चुके हैं हमारे नवीन MCGP के, एक बार दो बार यहाँ पे ना पीछे PCR के राउंड लगवाओ ताकि उनको डर हो कि भाई यहाँ गाड़ी आ रही है, लेकिन एक दो दिन भी कहते हैं लेकिन आता कोई भी नहीं है इधर। लगता है कोई नशे वाला बंदा। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, नशे वाला ही बंदा है, ऐसे कोई वैसा कुछ काम नहीं कर सकता ऐसा, तो नशे वाला ही काम करता है। दुकानों पे उस समय ताले लगे हुए थे मैडम? दुकान में ताला लगा हुआ था पीछे से, बैक साइड से ही कुंडी तोड़ के ना दरवाजे ये खोल के यहाँ से, फिर साथ वाली पड़ोसी ने बताया कि भाई आपकी दुकान टूटी हुई है, तो मैं तुरंत दुकान पे आया हूँ। तो जरूर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक बहुत ही शातिर दिमाग लगाया गया है चोर के द्वारा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है बनाया गया, तोड़ा गया है ताले को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी दीवारें हैं, और छोटी छोटी दीवारों की वजह से जो है पड़ोसियों ने जैसे ही देखा कि गेट जो है टूटा हुआ है, वैसे जो है इनको बता दिया गया। मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही भयंकर लेवल पर चोरी हुई है, क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं, रिपेयर के लिए काम कर रहे थे, और जब कस्टमर इनसे मांगेंगे तो इनको नया ही देना पड़ेगा। पुलिस से इन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। आपसे अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वॉट्स न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ। धन्यवाद।